आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात लगातार हम कर रहे हैं होलास्टक के बारे में। होलास्टक के दिनों में नौ ग्रह कैसे डालते हैं आप पर अपना सर, क्या है होलास्टक का ज्योतिषीय आधार, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी समझाइए जरा होलास्टक का ज्योतिषीय आधार क्या है। होलास्टक अष्टमी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि पर होली के साथ ही समाप्त हो जाता है। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दसवीं को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु, ये उग्र स्वभाव में रहते हैं। ये आठ ग्रह दैनिक क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से शरीर और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन ग्रहों के कारण निर्णय क्षमता में कमी आती है और गलत फैसले लेकर नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों की कुंडली में नीच राशि का चंद्रमा या वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो, ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में चंद्रमा छठे या आठवें भाव में होने से अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा से आठ दिन पहले हमारा मस्तिष्क क्षीण, दुखी, अवसादपूर्ण या निर्बल हो सकता है। यदि ऐसा योग जन्म कुंडली में है तो निश्चित रूप से यह चीज आपको देखने को मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।